परिवहन में लगे ट्रक ड्राइवर, ऑपरेटर और हेल्पर के साथ ट्रांसपोर्टर कंपनियों के द्वारा किए जा रहे आर्थिक एवं शारीरिक पोषण की खबरें भी उमरिया जिले के आम हो चुकी हैं। जोहिला ट्रक ड्राइवर ऑपरेटर एवं हेल्प एसोसिएशन के शासन द्वारा निर्धारित वेतन के अनुसार वेतन न दिए जाने को लेकर एक दिवसीय हड़ताल की। ट्रकों ने पहिए को थमा देख प्रबंधन ने हड़कंप मच गया और हड़कंप स्थल पर ही SECL के आला अधिकारी ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर कंपनी के बीच मान का काम करने लगे। किस विषय को लेकर आज स्ट्राइक किया गया है? इसमें विभिन्न विषय हैं। वर्करों का पहला विषय तो ये है, ST कंपनी में कुछ PF का विषय है। कुछ पुराना 6-7 साल से काम कर रहे हैं, उनका PF भी कटा है पर PF नहीं मिल पा रहा है, ना ही अलाटमेंट मिल पाया। अभी अलाटमेंट का कुछ प्रोसेस दिखा रहे हैं कि हाँ कुछ लोगों का अलाटमेंट किया गया है और अधिकतर लोगों का भी अलाटमेंट मिला नहीं है और ना ही पैसा मिला है। दूसरा विषय ये है कि 12 घंटा जो काम कराया जा रहा है मजदूरों से, डेंजर काम है। पब्लिक रोड में चलना किसी ड्राइवर को खुद के लिए भी सेफ्टी नहीं है और पब्लिक सेक्टर के लिए भी सेफ नहीं है कि जब वो 12 घंटा लगातार कालरी में माइंस में गाड़ी चलाएगा तो किस तरह से सेफ रहेगा। तो उसका जो मानक है उसको 8 घंटे किया जाए, इस मांग को लेकर भी है। दूसरा विषय यह है कि हमें न्यूनतम वेतन दिलाया जाए। जो शासन ने हमको देने में निर्धारित कर दिया है उसे प्रबंधक द्वारा या ठेकेदार द्वारा सुनिश्चित कराया जाए, तभी जाके ये इन्हीं सब मांग को लेकर आज ये धरना प्रदर्शन है। पे जो है शांतिपूर्ण वातावरण में हम लोग को जो भी बात हुआ है इसमें सब में जो है हम लोग को मजदूर का पक्ष में हम लोग बात किया है। जो भी हम लोग को समस्या है जो निराकरण किया जा रहा है, किया जाएगा, इसको आश्वासन के साथ हम इस हड़ताल को मैं मैनेजमेंट के तरफ से मैं अपील करना चाहता हूँ, जो भी है मजदूर बंधु आप अपना कार्य में जाए, जो भी समस्या है उसके लिए आप लोग पक्ष में मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। 24 आवर्स में कभी भी कोई दिक्कत आए, आपको PF का हो, कोई भी समस्या हो, हमारे पास आवे, हमको जो है कम से कम कम्युनिकेट करें ताकि हम जो है उसको फाइल करके जो है जो भी पैसा मिलना चाहिए आपको, जो है जो भी नियमानुसार मिलना चाहिए आपको मिलेगा। इसी आशा के साथ मैं जो है ये हड़ताल है। किन किन मुद्दों को लेकर यहाँ पे हो रही है? इनका सबसे बड़ा मुद्दा है जो 2014 से लोग सिंह ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम कर रहे हैं, इनका PF की कटौती कितनी हुई, कब से कट रही है, इनको कोई जानकारी नहीं है। यहाँ तक इनको CMPF का नंबर नहीं मिला, EPF का नंबर नहीं मिला, उस विषय पर लेके हो रही है। दूसरा इनका वेजेस पे हो रही है, हमको